हेलो फ्रेंड्स, मैं देव एमडी क्रिएशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज, आज हम कुछ नई बात करेंगे। तो जैसे कि बॉलीवुड ने इस बार कुछ नया लाया है, इस बार जैसे कि ट्रिपल सिक्वल है ना, जैसे कि आप समझ गए मैं किस बारे में बात करता हूँ। तो बात करेंगे इस बारे में। सो गाइज, अब आज हम बात करेंगे सत्यमेव जयते 2 के बारे में। तो इसमें आप देखिए, ट्रिपल सिक्वल है, जैसे कि इसमें आपको पॉलिटिशियन भी देखने को मिलेगा, पुलिस भी देखने को मिलेगा, और हमारे जैसे कि फाइटिंग वाइटिंग वाले जो हीरो होते हैं, अच्छे हीरोज जिसको रेबल बोलते हैं, तो ये तीनों का मिक्सअप देखने को मिलेगा। वैसे तो बॉलीवुड ने पुरानी चीज़ों को ही फॉलो किया है, लेकिन इस बार कुछ थोड़ा नया है। मतलब हमारे जॉन अब्राहम जी जो है, इन्होंने कुछ, मतलब इनकी जो बॉडी है, इस हिसाब से इनका जो यहाँ पे अवतार दिखाया गया, इनका जो टीजर है ना, सत्यमेव जयते 2 का आपने टीजर देखा होगा, इसका पोस्टर देखा होगा। पोस्टर में इनका जो फेस दिखाया गया, इनकी जो बॉडी दिखाया गया, यार कातिल है ना। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि चलो मूवी बहुत ही खतरनाक रहेगी। इसका ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप जरूर देखना। जैसे कि मैंने ट्रेलर देखा तो इसमें जो डायलॉग मारा है इसने, जो जॉन अब्राहम के जो डायलॉग है, यार पूरा नहीं है लेकिन चलो ठीक है, फिर भी इनके मुंह से थोड़े अच्छे लग रहे हैं ना। सो गाइज, इसमें आपको देखने को मिलेगा जॉन अब्राहम के तीन रोल है ना, तीन रोल करते, जैसे कि खुद के बाप का भी करते हैं और खुद के बेटे का भी है ना। तो बाप यहाँ पर होता है पॉलिटिशियन, जो एक खूंखार बॉडी बिल्डर जैसा है, यानी कुछ नया, मतलब बॉलीवुड ने कुछ नया लाया, मतलब ये है। जैसे कि आज तक अपन देख रहे थे कि पॉलिटिशियन अगर है तो वो एक सादा सा बंदा रहेगा, उसके बाद कुछ खास बॉडी नहीं रहेगी, अगर कोई आगे वाला धमकाता है तो डर जाने का, या फिर अगर नॉर्मल हीरो भी रहते हैं तो पॉलिटिशियन में रह चुके मानता हूँ, जैसे कि पुराने पिक्चरों में हमने देखे थे, तो उस तरीके से मूवीज बनती थी पॉलिटिशियन के लिए। लेकिन इस बार देखिए, जॉन अब्राहम जो हमारे बॉडी बिल्डर है अच्छे खासे, ये पॉलिटिक्स में है, और इनका एक यहाँ पर रोल दिखाया गया कि एक टेबल पे एक मुक्का मारते जोर से और टेबल के टुकड़े हो जाते हैं ना। तो इस टाइप से देखने को मिलेगा, मतलब लग रहा है कि थिएटर में थोड़ा सा तड़का मचेगा इस बार है ना, ऑडियंस फाड़ डालेगी। और फिल्म मेकर ने जो ये फिल्म बना है तो उनका बजट का तो कोई इशू जाएगा नहीं, बजट तो निकल ही जाएगा है ना। सो गाइज, इसके बाद उनके जो बेटे होते हैं, पॉलिटिशियन के बेटे जो होते हैं, एक होता है पुलिस में और एक होता है रेबल, मतलब दोनों वैसे तो अच्छे ही होते हैं यहाँ पर, मतलब जो पुलिस है वो भी अच्छा काम कर रहा है और जो रेबल होता है वो भी अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन यार दोनों की जो ख्यालात है वो मिलते नहीं है, दोनों दुश्मन जैसे ही बिहेव करते पूरे मूवी में। और बाकी तो आपको पता ही है, बॉलीवुड के मूवी में आखिर में सब एक ही हो जाते हैं, तो उस प्रकार इसमें भी कुछ रहेगा। अभी देखते हैं मूवी कब रिलीज़ होती है, मूवी जब रिलीज़ हो जाएगी तो देख ही लेंगे कि क्या रहेगा। लेकिन ये थिएटर में रिलीज़ होने वाली है तो तड़का तो रहेगा और पैसा तो निकल ही जाएगा और ऑडियंस तो भर भर के जाएगी। मुझे तो ऐसा पसंद आएगा कि इसमें जो डायलॉग है जो जॉन अब्राहम के मुंह से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं है ना, पुराने मूवीज़ में से कुछ उठाया गया है न्यू, और कुछ न्यू थोड़ा बहुत डाला गया है, लेकिन इसमें जो है एडिटिंग का जो है लेवल है वो थोड़ा ख़तरनाक है। और जैसे जॉन अब्राहम की जो बॉडी है बहुत ही कातिल, उनके जो सिक्स पैक दिखाया गया है, उनकी जो फाइटिंग है, फाइटिंग करने का तरीका है, उनके जो एक्टिंग है, उनके मुंह का, उनके जो एक्सप्रेशन आते हैं वो एक कातिल है ना। और इसमें हमको देखने को मिलेगी दिव्या कुमार घोसला, जिनकी एक्टिंग तो एक बेहतरीन ही है, आप सब जानते ही है, उनकी भी एक्टिंग यहाँ पर एक अलग ही तरीके से दिखाई गई है। देखेंगे अभी ये मूवी कैसी रहेगी। आप सबका क्या मानना है, अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए, वैसे तो मैंने देखा, तो आप सबका क्या मानना है इस ट्रेलर को देख के आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको लगे कि इसमें कुछ कम ज़्यादा है या फिर आगे मैं किस बात पे वीडियो बनाऊँ, किस मूवी पे बनाऊँ, कौन सा ट्रेलर उठाऊँ, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं है ना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।